बंगाल यही की रहने वाली है, बंगाल की रहने वाली। उसका इतिहास उठा के आपको हमको बता दीजिए कि ममता बनर्जी बंगाल की रहने वाली है, बांग्लादेशी है। अच्छा बांग्लादेशी है, उसका बाप तो बांग्लादेशी है। अच्छा तो इंडिया का कैसे हो गई? जो अभी इंडिया में जो रह रहे हैं कुछ लोग भी हैं अभी है, तो वो भी इसीलिए तो सीए से उसको दिक्कत है, एनआरसी से उसको दिक्कत है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से भारत देश में हर तरह के लोग रहे, जो भारत के संविधान सीए का क्या मतलब है आप बताइए जरा हमको। हम जो बोल रहे हैं सीए से आप क्या समझे जरा बताइएगा। सीए हाँ। ये है कि आपको तो खुद आपको देश से निकाल करके आपको बोलने पे मजबूर कर रहे हैं कि बोलिए कि मैं बाहर से आया हूँ, उस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलेगा। यही है, आप लॉ उठा के पढ़िए, आपको अपने पूर्वज तक का आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया का वासी है कि नहीं है। हम अगर इंडिया के है, एक मिनट, आप पैसा देकर बना रहे हैं वहाँ का सरकार अच्छा कैसे हो गया? जब आप बोल रहे हैं उस टाइम बनिए सरकार है, योगी मोदी जो सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं, उस टाइम हमारे उस टाइम अखिलेश कुमार मुख्यमंत्री थे, वहाँ का कोई दिखा दे पार्टी हम मान लेंगे। अखिलेश का काम बोलता है, अखिलेश नहीं बोलता है, तो कौन सा नेता सही है? बंगाल में भी भैया आपको बुझा जाएगा, बोलता है भी काम बोलता है। सरकार किसका बनना चाहिए? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों बनना चाहिए? देश सुधारना है तो बीजेपी। क्या अभी उससे पहले देश नहीं सुधरा हुआ था? नहीं सुधरा हुआ था, आजादी का 60 साल कांग्रेस का सरकार चला, देश बर्बाद हो गया, सब कुछ आया। हाँ। हमारे आपके लिए नहीं आया ना। हाँ। क्यों सब पूरे देश देशवासी ही नहीं, हम एक लेबर क्लास का आदमी है। हाँ। लेबर क्लास के लिए कुछ नहीं हुआ कांग्रेस का सरकार। बीजेपी क्या दे देगी लेबर क्लास को? क्या नहीं दे रही है? क्या देगी? जैसे शौचालय दिया, अच्छा जनधन योजना दिया, अच्छा गैस सिलेंडर दिया, अपना बहुत सारा सुविधा, जनधन योजना दिया, तो आपको बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? किसके अकाउंट में? अभी आपके अकाउंट खुला। 15 लाख मिला, नहीं 15 लाख नहीं मिला। हाँ। लॉकडाउन में गैस सिलेंडर का 1000 रुपया पर महीना मिला। अच्छा, गैस सिलेंडर 1000 रुपया हो गया, 900 रुपया, उसका कोई चार्ज नहीं लगा। अभी 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 अपने बिहार में महंगाई को लेकर, हम अपने बिहार में महंगाई किस चीज का है? अभी अभी 900 रुपया गैस सिलेंडर का हो गया है। बीजेपी महंगाई किसी चीज का नहीं, पेट्रोल के दाम उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, मजदूर आदमी है आपके, एक मतलब नहीं होने से। पेट्रोल किस चीज पे, कौन सी गाड़ी में पड़ता है? फोर व्हीलर में। अच्छा, वो करोड़ों आदमी रुपये कमाने वाले के लिए ना है पेट्रोल वाला गाड़ी, हम मजदूर है। आप साइकिल चलाएंगे तो सारा जनता, उसमें पेट्रोल का कोई मायने नहीं रखता, हम साइकिल पे घूमते हैं, पेट्रोल का कोई मायने। आप अपने लेवल से सोच रहे हैं, लेकिन हम जनता के बारे में बात किया जाए तो दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं सोचता, सब अपने लिए सोच रहा है। बगल में गाड़ी है यहाँ पे, सब अपने लिए सोच रहे हैं। मोदी जी भी कहाँ अपने किसके लिए सोच रहे हैं? मोदी जी भी तो अंबानी अडानी के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, मोदी जी भी तो उसी के लिए सोच रहे हैं ना। मोदी जी क्या हम लोग भाई साहब वन मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी का सरकार वो चला रहा तो उनके लिए सोच रहे, हमारा पेट कोई नहीं भर रहा, हम अपने लिए सोचेंगे। अच्छा, सीधी सी बात है। तो अपने से अपने कुर्सी वो बरकरार रखे हैं, उसके लिए वो सोच रहे हैं, वो बात उनकी है। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबके लिए देश सुरक्षित है। अभी के डेट में देश सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं था जी? नहीं, पर महीना रिकॉर्ड उठा के देखा मीडिया वाले है ना। अच्छा, पर महीना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंडिया में किसी ना किसी स्टेट में बम विस्फोट होता देख लिया होता था। अभी 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 जवान जो मर गए, 24 जवान 36 आपस में तो काटा काटी, तो हर महीने देश के जवान मर रहे हैं। अभी 24 जवान शहीद मर रहे हैं, 24 जवान अभी लेटेस्ट में 14 में सरकार बना, कितने जवान मर रहे हैं? अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, 24 जवान। बंगाल का तो बात मत कीजिए, बंगाल में तो जय श्री राम बोलने में भी जेल जाते थे, बंगाल में तो जय श्री राम बोलने में भी जेल जाते थे। तो अभी बोल रहे कहाँ जेल जा रहे हैं? अभी अभी टाइट है, ऊपर से टाइट है। अभी भी तो रिसेंटली नहीं जनाब, चुनाव है, अभी नहीं जाएंगे, चुनाव अभी नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद चले जाएंगे। हाँ, इसे पहले नहीं जाते थे? जय श्री राम बोलने पर जेल जाना पड़ता था। आप गए थे जेल क्या? हम नहीं गए थे। आप नहीं गए तो फिर कैसे? आप ही देखा है, आप ही मालिक न्यूज वाले देखा। न्यूज के चक्कर में मत पड़िए, आपको अगर जय श्री राम बोलने में कोई तरफ परेशानी नहीं, आपको बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको रोक नहीं देगा। यहाँ सिलीगुड़ी में कौन रोकेगा? सिलीगुड़ी में तो खुलेआम चलता है, सिलीगुड़ी में तो कोई किसी को नमस्कार नहीं बोलता है, यहाँ तो चलता है भैया जय श्री राम, जय राम जी के भैया। अच्छा,
हाँ यहाँ सिलीगुड़ी में नहीं आखिर ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे अगर आएगी तो उससे क्या प्रॉब्लम है? पुलिस का लूट खत्म हो जाएगा, प्रशासन का जो लूट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, हमारे लिए सेफ होगा। इन 10 सालों में ममता बनर्जी से आप खुश नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों ममता बनर्जी आप लोगों को कुछ नहीं दिया? लोगों के लिए काम नहीं कुछ नहीं किया। यहाँ तो पुलिस वाले हर चौराहे पे पकड़ते हैं, भेसल 200 रुपए दे, पेपर ओके है, हमारे गाड़ी का कागज ओके है, हमारा लाइसेंस ओके है, फिर भी पकड़ते हैं तो बोलते हैं 200 रुपए दे, चल तू तो 200 रुपए दे। इंडिया का सबसे सुपर अगर कोई मुख्यमंत्री है ना आदित्यनाथ योगी, इंडिया का सबसे देश को अगर तोड़ने की बात करते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान का भावना करके लोगों से वोट लेना चाहते हैं वो अच्छा है, सब करते हैं, हर पार्टी करता है। ममता बनर्जी कहाँ कर रही है? सब कर ममता बनर्जी नहीं नहीं, जय श्री राम बोलने पर रोक लगाती है तो क्या मुसलमान का पक्ष नहीं करी? हाँ कहाँ रोक लगाई, किसको रोक लगाया? अभी आप बंगाल में बोल सकते, सारे लोग बोलते, कोलकाता में बोले लोग। जी नहीं जनाब, चैनल में आप जी नहीं आप गलत बोल रहे हैं। इंडिया में बंगाल में अगर आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम का नाम लेके आप लोग वोट? जी नहीं 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 ऐसा तो नहीं, राम का नाम बदनाम करके आप गलत गलत गलत। राम एक बहुत महान आदमी है, उनका नाम आप वोटिंग और राजनीति में नहीं लेना। गलत गलत। ममता बनर्जी कहती है, ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी जो है राम का नाम बेच रही है। जी नहीं जी नहीं, ममता बनर्जी यही की रहने वाली, बंगाल की रहने वाली। उसका इतिहास उठा के आपको हमको बता दीजिए कि ममता बनर्जी बंगाल की रहने वाली है, बांग्लादेशी है। अच्छा बांग्लादेशी है, उसका बाप तो बांग्लादेशी है। अच्छा तो इंडिया का कैसे हो गई? जो अभी इंडिया में जो रह रहे हैं कुछ लोग भी हैं और ये है तो वो भी इसीलिए तो सीएस से उसको दिक्कत है, एनआरसी से उसको दिक्कत है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से भारत देश में हर तरह के लोग रहे, जो भारत को सीए का क्या मतलब है आप बताइए जरा हमको। हम जो बोल रहे हैं सीए से आप क्या समझे जरा बताइएगा। सीए ये है कि आपको तो खुद आपको देश से निकाल करके आपको वो बोलने पे मजबूर कर रहे हैं कि बोलिए कि मैं बाहर से आया हूँ, उस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलेगा। यही है, आपको लॉ उठा के पढ़िए, आपको अपने पूर्वज तक का आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया का वासी है कि नहीं है। हम अगर इंडिया के है, एक मिनट, अगर बिहार से झारखंड बट गया, बिहार से झारखंड बट रहा, जिस समय बिहार से झारखंड बट गया, यूपी से उत्तराखंड बट गया, अच्छा अगर आप बटे हैं, आप पहले से यूपी का वासी हैं, बटने के बाद आप अगर उत्तराखंड में चले गए, रहने का क्या फायदा है? अगर बिहार पड़े कि आप उस देश के निवासी हैं, वोटर कार्ड हमारा किस लिए है, आधार कार्ड किस लिए है, पैन कार्ड हम टैक्स क्यों भरते हैं, पासपोर्ट किसने बना के दिया? नहीं पहले आज हमको बंगाल का आधार कार्ड मिल जाएगा, वोटर आई कार्ड मिल जाएगा, बोलिए बनवा लीजिए, दिखाए दिखा दी, बिहार के रहने वाले हैं तो बनवा लीजिए, ओरिजिनल लाइसेंस यूपी का लेके घूम रहा है, ओरिजिनल लाइसेंस की बात है, बनवा लीजिए ना, किसने पैसा पैसा बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये यूपी में आपके योगी सरकार है तो वो कैसे बना दिया वहाँ? नहीं चुनाव से पहले का है, चुनाव से पहले का जी, ये अखिलेश सरकार का टाइम है, अखिलेश सरकार का टाइम का है, ये देखिए ओरिजिनल लाइसेंस अखिलेश सरकार का टाइम का, देख लीजिए वैलिडिटी देख लीजिए। मतलब आप रहने वाले नहीं है यूपी के, लेकिन फिर भी यूपी के बन गया, बनेगा गोरखपुर का लाइसेंस, जमीन वगैरह है उधर कुछ नहीं है, बिहार के गोपालगंज जिला का रहने वाले हैं, बना ना। अच्छा तो फिर लेकिन यूपी में आप 2 नंबर पैसा देकर बना रहे हैं, वहाँ का सरकार अच्छा कैसे हो गया? जब आप बोल रहे हैं उस टाइम बनिए सरकार है, एनआरसी योगी जो सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम अखिलेश कुमार मुख्यमंत्री थे, वहाँ का कोई देखा से पार्टी हम मान लेंगे, अखिलेश का काम बोलता है, अखिलेश नहीं बोलता है, तो करप्शन वही तो हुआ, तो कौन सा नेता सही है? बंगाल में भी भैया आपको बुझाया जाएगा, बोलता है कि काम बोलता है। बंगाल में पैसा लगता है? पैसा लगता है ऐसे कार्ड बनाने के लिए? 900 रुपए। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।